छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव और जिला कार्यालय में कार्य समिति की बैठक भी शामिल है। मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सहकारिता से जुड़े तमाम कर्मचारी इन दिनों प्रदेशव्यापी हड़ताल पर है। इसको लेकर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के लगभग 2600 सोसायटी के कर्मचारी, जिन्हें पिछले 3 सालों से वेतन नहीं मिला, धान खरीदी के मुद्दे पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि किसान परेशान है। प्रदेश में कई जगह असमय हुई बारिश से धान भीग चुका है। धान खरीदी को लेकर 1 दिसंबर की स्थिति प्रदेश सरकार नहीं छोड़ रही है। कर्ता गिल करीब करीब 2600 सोसाइटी में काम धाम बंद है। सरकार उनको 3 साल का वेतन देने में असफल रही है, वही प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये हालत है सरकार। किसान परेशान है, बारिश में भीग गए पूरे धान, और 1 दिसंबर का जिद सरकार नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की यही मांग थी 1 नवंबर से खरीदी हो, मगर उसके लिए भी सरकार मन नहीं बना पाई है। इसका विरोध किसान भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है।